नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा तिवारी और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। उल्लासनगर सेंट्रल पुलिस स्टेशन के उपनिरीक्षक श्री हर्षद काले को महामहिम राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल महोदय के हाथों शौर्य पुरस्कार प्रदान किया गया। 18 फरवरी 2020 को महाराष्ट्र के राज्यपाल महोदय श्री भगत सिंह कोश्यारी जी द्वारा उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। आपको बता दें कि पुलिस उपनिरीक्षक हर्षद बबन काले 2006 से पुलिस विभाग में शामिल हुए हैं। 14 वर्ष में उन्हें 4 पुरस्कार और मेडल से नवाजा गया है। अपने संघर्षमय जीवन के साथ जनता को समर्पित जीवन से वे लगातार कामयाबी हासिल कर रहे हैं। वीरता मेडल पुरस्कार उनके इसी कामयाबी का एक भाग है। उन्होंने जानकारी दी है कि मैं खुद काफी गर्व महसूस कर रहा हूं कि मैं देश से किया हुआ वादा पूरा कर रहा हूं। 26/11 के टेररिस्ट अटैक के कड़ी फाइट के बाद उनकी पोस्टिंग गढ़चिरौली के नक्सलग्रस्त इलाके में की गई थी। नक्सलग्रस्त इलाके में काम करना काफी मुश्किल होने के बावजूद उन्होंने और उनकी टीम ने नक्सलवाद को खत्म करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। पुलिस उपनिरीक्षक हर्षद काले इन्हें महाराष्ट्र के 60 पुलिस अधिकारियों के बीच एक सम्मान समारोह में मंगलवार 18 फरवरी को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के हाथ माननीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा पुरस्कृत शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुलिस उपनिरीक्षक हर्षद काले सहित पूरे उल्लासनगर, ठाणे जिला और महाराष्ट्र राज्य के लोगों के लिए काफी गर्व की बात है। ये पुलिस उपनिरीक्षक हर्षद काले के लिए नहीं बल्कि पूरे उल्लासनगर, ठाणे जिला और महाराष्ट्र राज्य के लिए गौरव की बात है। तो ये थी महाराष्ट्र की खास रिपोर्ट। इसी तरह के देश और दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।